फातिमा और मैं आज आपको न्यू फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ मैं। आई होप आपको सबको पसंद आएगा, पहला ब्लॉग है मेरा। तो मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने। ये मेरा गैरेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कभी कभी आ जाते हैं 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, इस तरह एक महीने में कभी राउंड लगता है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपके। इधर इतनी हरियाली आ चुकी है, यहाँ पर ऐसी ही हरियाली आ जाती है कच्ची ज़मीन की वजह से और ये बरसात के मौसम की वजह से। और यहाँ पर हर 6 महीने बाद बरसात के मौसम में ज़रूर यहाँ पर ऐसे ही ये भर जाती है हरियाली चारों तरफ दीवारों पर और ज़मीन पर भी। कच्ची है ये पीछे, अभी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था इसलिए हम इधर आ गए आज गैरेज की तरफ मौसम के हिसाब से। और ये देखिए ये गैरेज है और यहाँ पर बरसात की वजह से जो गड्ढे हो जाते हैं जगह जगह कहीं पर खुला हुआ हो जाता है ज़मीन। तो अब ये मसाला घोल रहे हैं उसमें ददारा भरने के लिए। और ये बरसात की वजह से ये इस तरीके से गड्ढे हो जाते हैं, जैसे आप मसाला घुल चुका है इधर से और इधर हमने पानी डाल दिया है तो मसाला अच्छी तरह चिपक जाए इसलिए। और ददारा हो गई है इधर साइड हो गई है, दीवार यहाँ पर ये सब ददारा हो गई है, यहाँ पर सीमेंट का घोल डालना है जिससे ये थोड़ा सा मिट्टी में रहे। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से मसाला लग गया। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये थोड़ी गाड़ी आगे कर रहे हैं इसलिए जो गड्ढे गाड़ी के नीचे हो गए हैं उसको भी सही तरीके से सेट किया जा सके इसलिए ये इन्होंने थोड़ी आगे कर दी गाड़ी। इसी हॉल में अब नीचे की ददारे हाथ धो लेते हैं हम। गड्ढे हमारे भर चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से हमने सब गड्ढे भर लिए। अब हम खाना खाएँगे, लंच का टाइम हो गया है और मैं घर से ही खाना बना कर लेकर आई थी अपना जो भी हमें खाना था आज दोपहर में लंच। ये घर से लेकर आई थी खाना बनाकर। तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ आज। थोड़ा गलती भी हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। फर्स्ट ब्लॉग है मेरा तो मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ अपने आप को, तो इसलिए प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरी कोई गलती हो कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं लेकर आई थी अपने साथ भिंडी और ये अरहर की दाल है जो हमें बहुत पसंद है और इसके साथ में वो है पिकल, गार्लिक पिकल जो बहुत टेस्टी लगता है अरहर की दाल के साथ। यहाँ पर रोड चलता है, ये देखिए सामने रोड चल रहा है और ये पीपल का पेड़ है बहुत ही साल पुराना। यहाँ पर इधर का ये सब बैकग्राउंड है हमारे गैरेज का। यहाँ पर बहुत हरियाली सी हो रही है, यहाँ पर भी देखना है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। देखिए आप यहाँ पर एक रास्ता इधर ही रह गया है, बैक साइड से एक गली इधर है एक गली इधर है।
ये ककरौंदे के पेड़ है, देखिए कितना प्यारा है ककरौंदा। ये देखिए आप, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगी, तो इससे आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ पर कीड़े वीड़े भी आ जाते हैं बरसात के मौसम में, इसलिए चलिए। ये बहुत खट्टे हुए खाकर देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, यहाँ पर बाग है अमरूद का सामने वाला। अगर आप मुझे लाइक और शेयर करेंगे लाइक, तो मैं आपको वो बाग दिखाऊंगी अंदर से वो कैसा है। वो देखिए वो सामने सामने अमरूद की स्टॉल लगा रही थी बच्चे ने, वहाँ पे सब लोग यहाँ आने जाने वाले लोग अमरूद खरीदते हैं। बहुत मीठे अमरूद होते हैं बरसात में और ना कीड़ा होता है। यहाँ पर देखिए ये दूसरी साइड है इधर की, चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। और कल आज 16 अगस्त है, कल 15 अगस्त थी तो यहाँ पर जुलूस वगैरह भी निकले थे। सामना तो लेकर आ चुके हैं, इतने प्यारे छोटे अमरूद हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होंगे। निकल रहे हैं क्योंकि 1:30 बज चुका है, भूख हो गई है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट ब्लॉग है मेरा और मैं अपने चैनल आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ।